वरिष्ठ नेत्री व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने करनाल पहुंचने पर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र व हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनसे जब पूछा गया कि क्या जेजेपी और निर्दलीय विधायक आपके संपर्क में हैं, तो उनका कहना था कि ये राजनीतिक बातें होती हैं जो सब खुलकर नहीं कही जाती। वहीं मध्यावधि चुनाव पर किरण चौधरी ने कहा कि ये समय पर निर्भर करता है। बता दें कि इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किरण चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के राज में सब दुखी हैं। जब किसान बोल रहा है कि कृषि कानून नहीं चाहिए तो उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10 दौर की बात हुई लेकिन कोई हल नहीं निकाला गया। वही किसान आंदोलन में 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने किसानों को बांटने का प्रयास किया है। उन्हें चीनी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहा गया और फिर हरियाणा, पंजाब को लेकर SYL की बात उठा ली गई, जबकि 6 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि किसानों को अलग करने का काम किया है। किरण चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के राज में पहले GST लगा दी गई, फिर गैस के रेट अब लगातार बढ़ा रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकाल में इनके मंत्री प्रदर्शन करते थे और आज चुप बैठे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हर हाल में किसानों के साथ है, उनकी आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे और सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज पुनिया, जयपाल मान सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आप सबका, प्रेस के साथियों का सुबह एकदम जो निमंत्रण दिया और आप इतने सारे लोग यहाँ पे पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार जैसे आप लोगों को पता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन तमाम तरह के प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की थी मैम से कि करनाल जरूर आप एक, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और जिस तरह से किसानों पे यहाँ पे गोलाबारी हुई आंसू गैस के और लगातार किसानों को कुचला जा रहा था उनका, और प्रोग्राम एक भाईचारा पाड़ने की बात थी, तो सारे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें मैम आपके बीच में रखेंगे। तो हम आज हमने सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है और मैम से अनुरोध भी करेंगे क्योंकि विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री का है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बाद में भी सुने। पंकज ने जैसे कहा, बताया आपको, ये मुख्यमंत्री की नगरी है और यहाँ पर आज जो हरियाणा के अंदर हो रहा है वो सबके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से मुझे हैरानगी होती है कि ये सरकार जब सत्ता में आई थी केंद्र में और इधर, तब इन्होंने एक वायदा करा था कि 2022 के अंदर किसानों की आय जो है वो दुगनी कर देंगे, लेकिन इससे बड़ा मजाक मैं समझती हूँ नहीं हो सकता कि आज जो हालात हो गए हैं, दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, जो सामने स्थिति नज़र आ रही है इससे तो किसान को बिल्कुल, जो धरती पुत्र है उसको बिल्कुल ज़मीन के अंदर लिटा के रखती है। इनके अपने जो नीति आयोग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक हमारी GDP की ग्रोथ अगर 10.8% होती है तब जाके कहीं हम नेड़े लगते हैं, समझ रहे हैं आप। आज हमारी GDP की ग्रोथ 27% से भी नीचे नेगेटिव आ गई है। तो ये जो बात करते हैं ये स्पष्ट नज़र आती है कि केवल सत्ता हत्याने के लिए, लोगों को झूठ बोलकर सत्तासीन होने के लिए ये सारी की सारी बातें कही जाती हैं। कहा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको हम 10 दिन के अंदर अंदर पहली कलम से लागू करेंगे। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बात करती है उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं। विधानसभा के अंदर जब ये बात बार बार मैंने भी उठाई तो कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की अब चर्चा क्या करनी। तो इस तरह की जब बातें कही जाती हैं, साथ के साथ इन्होंने जो है बेरोजगारी के ऊपर कहा था कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज वो भी पूरा का पूरा जुमला साबित हुआ है, सारी झूठ साबित हुई है। महंगाई के ऊपर आप मीडिया भाइयों को सारी बातें इसलिए पूरी मालूम होंगी क्योंकि आपके ही जरिए हमारे को मालूम चलता है किस तरह से अर्धनगन होकर इनके बड़े जो मंत्री हैं, आज जो सत्तासीन मंत्री हैं केंद्र में और यहाँ पे भी हरियाणा में, उन्होंने अर्धनगन होकर किस तरह से जो है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने वो करा था, आंदोलन करा था,
और किस तरह से इनके जो अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, जिन्होंने थालियां बजा बजा के पीट पीट के कहा था कि हाय महंगाई हाय महंगाई। गैस का सिलेंडर जब 40 रुपए का हुआ था कांग्रेस के टाइम पर, आज गैस का सिलेंडर जो है जेब से बाहर हो गया, 700 ऊपर कभी ऊपर नीचे जो है 700-800 रुपए जो है चलता रहता है। और जो सब्सिडी मिला करती थी वो सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी है। तो ये सरकार जो है आज किसानों की बात ये करते हैं, किसान जो है कहते हैं कि ये कानून किसानों को फायदे में होगा और 700 पंचायतें हम सारी जगह करेंगे। इनको जो है इतना झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, मैं तो ये बात कहूँगी कि वो धरती पुत्र जो अपना 2 एकड़ की 1 एकड़ की जमीन, छोटा जो किसान है वो अपना अपना काम कर रहा है, अपना बसर कर रहा है, आज जो है उसके जो बच्चे हैं उसके जेब में भी वो 10 रुपये इसलिए डाल सकता है क्योंकि वो अपना खाना पीना खुद कमा रहा है, किसी के भरोसे नहीं है। आपने जैसे 70-75% का जो वायदा करा था नौकरियों का, वो तो आप दे नहीं पाए, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे आप? और जिस तरह से ये जो जन आंदोलन, ये जो आज पूरे, मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मालूम चल गया है, ये जन आंदोलन है, ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है। और आम आदमी को समझ आनी चाहिए इस बात की कि आने वाले समय के अंदर अगर ये तीनों कानून जिस तरह से ये लागू करना चाहते हैं, जिसके ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने अभी करा है, ये अगर लागू होते हैं तो सबसे पहले जेब के ऊपर मार अगर पड़ेगी तो आम जनता के ऊपर पड़ेगी, आपकी थाली के ऊपर पड़ेगी। गरीब जो है वो बिल्कुल ख़त्म है और अमीर जो है वो इतना अमीर हो गया। आज ही मैं अभी रास्ते में पढ़ती आ रही थी कि ये जो अडानी है इसके NPAs मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो 400 पता नहीं कितने करोड़ों से ऊपर हैं, इतना कुछ है जो एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो ये बैंक को पैसा उसको देना है। लेकिन 6 एयरपोर्ट खरीद लिए अगले ने, और क्या कहते हैं शिपिंग पोर्ट्स खरीद रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है आप समझ रहे हैं? मतलब ये तो डाइकोटमी होगी ना पूरी, एक तरफ से तो आपको इतना आपको पैसा देना है, दूसरी तरफ से आप खरीदे जा रहे हो। तो ये स्पष्ट तरीके से जो है ये सारे कानून इसलिए लाए गए हैं ताकि इन पूंजीपतियों को सहूलियत दी जाए, किसान बेशक बर्बाद होता जाए वो इनको लेना देना नहीं है। और पे मैं आज कह के जाना चाहती हूँ, इनको रद्द करना पड़ेगा और अब इनको जो है सबक जो है किसान सिखा कर ही भेजें। हाँ देखिए, कांग्रेस हम विपक्ष के अंदर हैं और विपक्ष के नाते हमारा जो है दायित्व बनता है कि आज जो हो रहा है उसका जो है हम भी उसका सपोर्ट दें, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। मैं भी चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधु हूँ, हम भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो ब्रिगेडियर आत्मा सिंह रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं, 3-3 उनकी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बांग्लादेश के अंदर जो हैं घायल हुए हैं, सारा कुछ है। तो हम लोग कोई ये हम लोग साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या कितना गलत करा जा रहा है, और इसलिए जो है ये कांग्रेस जो है ये अपने अभियान चला रही है। कल जो है हमने घेराव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.